हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम के बारे में। हाइड्रोसिल एक ऐसी समस्या है जो मोस्टली लोगों को हो जाती है, जो बॉयज़ से जुड़ी हुई समस्या है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। किसी एक कारण को हम नहीं कह सकते स्पेसिफाई कि इसी की वजह से ये हुई है, इसके अलग अलग कारण होते हैं। वो जो भी कारण हो, फाइनली अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है जिसमें कि आपके स्क्रॉटम में सूजन आ जाती है, उनका साइज़ बहुत बढ़ जाता है, और जो आपके टेस्टिक गर्ल्स है उसके जो आसपास का एरिया है उसमें जो फ्लूड भर जाता है, उसकी वजह से जो सूजन है उसकी बहुत सारे इनिशियल स्टेज पर आप ट्रीटमेंट लेने की भी कोशिश करते हैं। अगर हम इसके इनिशियल स्टेज की बात करें तो मोस्टली लोग जो हॉस्पिटल में आते हैं वो तब आते हैं जो अपने आसपास के डॉक्टर को दिखा चुके होते हैं, उनसे प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है वो ले चुके होते हैं, और उस दौरान जो ट्रीटमेंट वो लेते हैं उसमें बहुत सारी एडवाइस भी ले चुके होते हैं, बहुत सारी सलाह उन्हें मिल चुकी होती है, और कि ऐसा करना है, ये दवा खाओ, वो दवा खाओ, यहाँ दिखा लो, वहाँ दिखा लो, इस तरीके से कुल मिलाकर वो ट्रीटमेंट कराते हैं। और फाइनली फिर जब बड़े हॉस्पिटल्स में आते हैं तब भी ये सोच लेकर आते हैं कि अभी भी यहाँ से कोई हमें मेडिसिन मिल जाए जिससे कि ये सूजन कम हो जाए और हमारी ये जो समस्या है वो ख़त्म हो जाए। ये समस्या दो लोगों को हम कैटेगराइज करेंगे यहाँ पर कि दो लोगों के साथ हो सकती है। जैसे कि एक तो कॉमन पर्सन जिनको ये समस्या हो गई है और उन्हें ये समस्या अपनी ठीक करानी है, तो उनको जो भी डिसीजन होगा कि मेडिसिन से ये ठीक होगी उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से, या फिर आगे कोई दूसरा स्टेप लिया जाएगा तब वो ठीक होगी। और दूसरे वो पर्सन हो सकते हैं जो कि कैंडिडेट है ऐसे, जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें आगे मेडिकल फेस करना है, तो चिंता यहाँ पर तब बढ़ जाती है कि ऐसा तो नहीं होगा कि हम डिसक्वालीफाई हो जाए उसमें और जो पॉइंट्स हमें मिलने चाहिए वो कम हो जाए, या फिर वहाँ पर रीमेडिकल हो जाए। तो इस तरीके की सोच भी रहती है, और इसको शॉर्ट आउट कराने की वजह से भी लोग हॉस्पिटल्स में आते हैं इसको दिखाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को भी हम आगे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर ये प्रॉब्लम आपको होती है तो इसमें जो ट्रीटमेंट है वो इनिशियल स्टेज पर तो ज़रूरी है ही है, और ट्रीटमेंट की भी स्टेजेस होती हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मुझसे ट्रीटमेंट के बारे में मेडिसिन पूछने लगेंगे तो शायद ये मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर बताना, क्योंकि वो एक पेशेंट को देखकर, उसकी कंडीशन देखकर तब उसको मेडिकेशन दिया जा सकता है। तो उसके लिए जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसको देखेंगे और उसके बाद उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको फिर मेडिकेशंस देंगे। तो यहाँ पर समझना ये है कि उसकी जो स्टेजेस है, जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, जहाँ पर फिर कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी, वहाँ पर स्क्रॉटम का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है और उस स्थिति में फिर कुछ और डिसीज़न उसमें लेना होगा। तो अगर आपका ये है सवाल कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, कि हमारे लिए क्या बेटर ऑप्शन है, तो उसमें हम आपको यहाँ पर बता दें कि अगर आप नॉर्मल पर्सन हैं तो आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेडिसिंस हैं, और सेकेंडरी अगर आपके लिए अगर आप पूछते हैं तो उसके लिए फिर स्टेजेस है, सेकेंड स्टेज उसमें भी आपके लिए मेडिसिन है उसको देखकर, और फिर अगर फाइनल अगर उसकी सूजन कम नहीं हो रही है तो फिर उसके लिए है ऑपरेशन। ऑपरेशन का तो नाम सुनते ही लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, और घबराने की बात भी है, जिसको अगर प्रॉब्लम होती है तो वो घबरा जाता है। लेकिन इस कंडीशन में जहाँ पर हमें इस प्रॉब्लम को ठीक भी करना है और फिर इसको हम ऑपरेट भी नहीं कराना चाहते, तब थोड़ी और असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। मैं खुद देखता हूँ जब लोग हमारे पास आते हैं और वो ऑलरेडी मेडिसिन खाकर आए हैं कई महीने, और उसके बाद भी जब वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है, तब भी अगर उनको ये सजेस्ट किया जाए कि अब ये ठीक नहीं हो सकता और इसमें अब ऑपरेट आप इसको करा लीजिए, तो इतनी जल्दी वो इस डिसीज़न को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर ये समझ लीजिए कि अगर स्क्रॉटम का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है और उसमें अब मेडिसिन अगर डायग्नोस ही ऐसा किया जाता है, आप दिखाते हैं और हॉस्पिटल्स में आते हैं और डायग्नोस ऐसा होता है कि अब मेडिसिन नहीं इसके आगे काम करेंगी, तो फिर उसका लास्ट ऑप्शन जो है वो ऑपरेट ही है। यहाँ ऑपरेट के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। ऑपरेशन से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत छोटा सा माइनर ऑपरेशन होता है, और ये ऐसा नहीं है कि जैसे पूरा आप
आपको चीर फाड़ के वहाँ पर रख देंगे और आपको जा नहीं पाएंगे। लेकिन मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि हम जैसे एडमिट होना पड़ेगा हमें, फिर हम सबको बुलाना पड़ेगा, हमें सबको बताना पड़ेगा हमें, और हमें क्या प्रॉब्लम हो गई है, ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये भी पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, इस वजह से भी हम इसको ऑपरेट नहीं कराना चाहते क्योंकि इसके लिए हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप सेम डे भी घर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप रुक जाते हैं एक दिन तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, और नहीं भी रुकना चाहते हैं तब भी आप सेम डे इसको कराकर घर जा सकते हैं। लेकिन ये खूब समझ लीजिए कि इसको कराना ही ज़रूरी है। अगर आप ऑपरेशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी ये है कि इसमें बहुत छोटा सा कट आपके स्क्रॉटम पे लगाया जाता है, अंडकोशों पे लगाया जाता है, और उससे उसके द्वारा जो फ्लूड आपकी जो टेस्टिकल्स की आउटर लेयर पर भरा है उसको निकाल दिया जाता है। इसको हम एक पिक्चर से देख लेते हैं कि जो नॉर्मल स्क्रॉटम होते हैं आपके वो किस तरीके के देखते हैं, यानी जो उसके अंदर टेस्टिकल्स हैं जिन्हें हम अंडकोश कहते हैं वो किस तरीके के हैं। देख लीजिए एक बार पिक्चर में कि नॉर्मल कुछ इस तरीके के होते हैं जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर दिख रहे हैं, और जब इसमें फ्लूड आने लगता है एक साइड से तो फिर ये इसकी कुछ पिक्चर इस तरीके की हो जाती है। लेकिन कुछ स्थिति में फिर जब ये स्थिति और आगे बढ़ जाती है और गंभीर हो जाती है, जहाँ पर पूरी आपके जो टेस्टिकल है उसके राउंड में पूरा फ्लूड भर जाता है, तो उसको आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये वही फ्लूड है जो भर गया है, और ये अब मेडिसिन से नहीं सूख सकता, नहीं ख़त्म हो सकता, इसको यहाँ से पंचर करके ही बाहर निकालना होगा, और इसके लिए एक छोटा सा माइनर ऑपरेशन होना ज़रूरी है। तो इस पिक्चर से आपको देखकर समझ जाना चाहिए कि ये जो फ्लूड है जो टेस्टिकल के चारों तरफ है इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कुछ समय तक और रहा तो ये दूसरी और समस्याएं खड़ी कर देगा। अब समस्याओं के बारे में अगर हम बात करें तो लोग ऑपरेट सिर्फ इसलिए नहीं कराते कि उनको कोई और समस्या ना हो जाए, जैसे कोई मर्दाना ताकत कम ना हो जाए, या फिर आगे मैरिज रिलेटेड कोई इशू उनके आगे ना आ जाए, या फिर इनफर्टिलिटी ना हो जाए, या और कोई दूसरे इशू जो भी वो डिफरेंट डिफरेंट सोचते हैं। लेकिन बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप इसे ऑपरेट नहीं कराएंगे तो आगे समस्याएं दूसरी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप इसे ऑपरेट करा लेते हैं तो फिर समस्याएं आपके आगे नहीं आएंगी। इसलिए ये ऑपरेट कराना ही ठीक है। अगर आपके स्क्रॉटम का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है और वो अब दबाव से ठीक नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ एक सवाल और भी हो जाता है कि अगर हमारा इन फ्यूचर कभी मेडिकल होने वाला है तो हम इसे कितने दिन पहले कराएं। तो क्लियर है कि मेडिकल अगर आपकी अपीयरेंस होने वाली है आगे इन फ्यूचर, तो आप इसे कम से कम 6 महीने पहले तो करा ही लें, जिससे कि जो जख्म है वो ठीक हो जाए, जो हीलिंग है वो अच्छे से हो जाए, और फिर वहाँ पर जो स्किन है वो भी थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाए, और आगे फिर इसमें किसी भी तरीके की आपको समस्या ना आए। और मेडिकल में भी जब अगर 6 मंथ हो जाएंगे तो फिर वहाँ पर आप आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये समस्या आपको है तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर ये समस्या है तो इससे पहले इसको ठीक कराकर ही मेडिकल में आप जाएं, क्योंकि अगर ये समस्या रहेगी तो वहाँ मेडिकल टीम आपको टेम्परेरी अनफिट कर सकती है, और परमानेंट तो नहीं करेगी, टेम्परेरी अनफिट कर देते हैं। लेकिन एक टेम्परेरी अनफिट होने का भी ठप्पा आप क्यों लगवाएंगे, पहले ही ना उसे ऑपरेट करा लीजिए या पहले ही उसका ट्रीटमेंट ले लीजिए। लेकिन कंडीशन ये होती है कि पहले तो आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, या फिर आप पहले सोचते हैं कि हम दवाओं से इसको ठीक कर लेते हैं, दवाएँ आप उसके लिए लेते हैं, वेल एंड गुड अगर दवाओं से वो ठीक हो जाता है, होता है ऐसा नहीं है, अगर दवाएँ लेते हैं प्राइमरी स्टेज पर, सेकेंड स्टेज पर ये है तो ये ठीक हो जाता है दवाओं पर। लेकिन अगर ये थर्ड स्टेज में पहुँच चुका है और ये दवाओं से अगर ये ठीक नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप किसी बेस्ट सर्जन से मिलिए और इसे वहाँ पर दिखाइए और इसकी प्रॉब्लम को ठीक करिए। अगर आप ये सोच पूछेंगे मुझसे कि इसे कहाँ हम दिखाएं, तो मैं कहूँगा आप जहाँ आप दिखाना चाहें एक अच्छे सर्जन को वहाँ आप दिखा सकते हैं। इसके लिए दो ऑप्शन आपके लिए है ही, कि आप एक प्राइवेट सेक्टर में भी दिखा सकते हैं, कहीं भी जो आपकी चॉइस हो, और आप अगर गवर्नमेंट सेटअप में जाना चाहते हैं तो आप वहाँ भी दिखा सकते हैं, वहाँ दिखा के अपने पैसे भी बचा सकते हैं। और ऐसा नहीं है, आज के समय में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हॉस्पिटल हैं बहुत अच्छे सेटअप हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे सर्जन हैं, वहाँ पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें आप वहाँ जाकर इसका ट्रीटमेंट अच्छे से करा सकते हैं। तो इसलिए
ये जो डिसीज़न है, अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इसको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर इसको खूब अच्छे से समझ लें कि इसमें जो फाइनल डिसीज़न है आपका वो यही होना चाहिए कि अब आप इसको ऑपरेट करा लें, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर मेडिसिंस काम करती हैं, लेकिन अगर आगे ये स्थिति और आगे बढ़ जाती है तब इसमें इसको ऑपरेट ही कराना एक फाइनल और राइट डिसीज़न है। ऑपरेट कराने के संबंध में जैसे अभी मैंने डिस्कस आपसे किया है कि बहुत सारे मिथ्स होते हैं लोगों में कि इससे हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इससे हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, फ्यूचर प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी, तो ऐसा बिल्कुल अपने दिमाग में ना रखें। बिल्कुल इसको क्लियर करके इसको समझ लें कि इनिशियल स्टेज पर हम दवाओं से इसको ठीक कर सकते हैं, और जब ये सूजन ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर इसमें ज़्यादा साइज इसका बड़ा हो जाता है, फ्लूड ज़्यादा भर गया है, तो उसको एक पंचर करके ही बाहर निकाला जा सकता है। ये जो आज मैंने आपको इस बारे में जो बताया है वो हम खुद प्रैक्टिकल लेवल पर हॉस्पिटल्स में देखते हैं, इस तरीके के केसेस कि वहाँ पर लोग आते हैं और आने के बाद जब उनको डायग्नोस किया जाता है, उनकी कंडीशन देखी जाती है, देखने के बाद जहाँ पर उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है यानी स्क्रॉटम का साइज बहुत बड़ा हो चुका है और जहाँ ऑपरेशन की इमीडिएट ज़रूरत है, तब भी पेशेंट ये कहता है नहीं मुझे मेडिसिन दे दीजिए कुछ और हो सकता है मैं मेडिसिन से ही ठीक हो जाऊँ। तो अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। आज के समय में लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है इस संबंध में, लोग मेडिसिंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। हाँ, मेडिसिंस ठीक हैं, फिर मैं ये रिपीट करूँगा कि वो इनिशियल स्टेज पर ठीक हैं, लेकिन जहाँ स्थिति ज़्यादा गंभीर है उसमें आपको इसको बिना झिझक डॉक्टर जैसी सलाह देता है उसी हिसाब से इसको फॉलो करना चाहिए। एक बात और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि जो आप वीडियो देखते हैं हमारे, अगर आपको ये पसंद है तो उन्हें लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट ज़रूर करके कमेंट बॉक्स में छोड़ें कि आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इन्हें लाइक करते हैं तो फिर नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा कर आप रेगुलर व्यूअर भी बन सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियो आप रेगुलर देख पाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने आएंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।